देश में परिवर्तन कर दीजिए, इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं। ये लैंड पोर्ट ऑथोरिटी मोदी जी के नेतृत्व में 4P के सूत्रों पर काम कर रही है, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप और प्रोग्रेस। इससे एक क्षेत्र के, पूरे क्षेत्र के प्रॉस्पेरिटी के अंदर भी बड़ा बदलाव आने वाला है। मैं यहां जब देख रहा था, 10,000 लोग तो आज ही आवाजाही कर सकते हैं और 10,000 लोगों की और सुविधा बनाकर रखी, तो मैंने शांतनु जी को पूछा कितने सारे लोग आते हैं, तो उन्होंने कहा साहब कम से कम 5 से 6 हजार लोग बांग्लादेश से इलाज करने के लिए कल्याणी एम्स में हर रोज आते हैं और इससे हमारे क्षेत्र की रोजगारी में बड़ा बढ़ावा होता है। यहां पर शांति की स्थापना में भी ये लैंड पोर्ट ऑथोरिटी का इनिशिएटिव बहुत बड़ा योगदान करेगा। जब कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से होती है, और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 26 में परिवर्तन कर दीजिए, इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं। और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब ये घुसपैठ रुक जाए। पार्टनरशिप भी इससे बढ़ेगी, बांग्लादेश और भारत, भूटान और भारत, नेपाल और भारत, म्यांमार और भारत, ये सभी हमारे सीमा पर बसे हमारे देशों के साथ संस्कृति, भाषा, कल्चर, ये सब का आदान प्रदान बढ़ेगा और एक प्रकार से नया पार्टनरशिप का युग शुरू होगा। और